पुलिस जो है ऐसे भ्रष्ट चीज़ों के एकदम सख्त उसके विरुद्ध है और इस पे हमने कार्रवाई की है। अभी फिलहाल उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और स्पष्टीकरण की मांग इसके बाद जो है थानाध्यक्ष से भी की जा रही है। कनाडा के NRI से चिकन लॉलीपॉप खाना पटना पुलिस को पड़ गया भारी। मामला है कोतवाली थाने अंतर्गत का। ऑटो चालक के द्वारा उनका बैग गुम होता है और मामले की छानबीन करने के लिए कोतवाली थाना को जिम्मेवारी दी जाती है। दो पुलिसकर्मी बैग खोजने निकलते हैं और उसी समय NRI से खाना पीने की बात करने लगते हैं, यानी यूं कहिए खर्चे पानी की बात होने लगती है, जिसमें दो पुलिसकर्मी को निलंबित किया जाता है और निलंबित करने के बाद कार्रवाई की जाती है। क्या कुछ कहना है जरा वो सुनिए। एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें रितेश बात्रा नाम के व्यक्ति है जो NRI है और यहाँ पर जो है घूमने आए थे और तीर्थ पर भी आए थे और उनको मेनली पटना साहिब पे जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनको जाना था। तो उस क्रम में जिस ऑटो पे वो बैठे थे वो ऑटो चालक जो है उनके सामान को लेकर के भाग गया है। तो इस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी 8 तारीख को कोतवाली थाना में। उसके बाद उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए जिसमें कि पहले तो अनाकनी जो प्राथमिकी दर्ज करने में की गई, उसके बाद जो है कुछ आरोप गंभीर हैं जिसमें कि जो कुछ कर्मी हैं हमारे उन दोनों कर्मी पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे खाना खाने को कहा और उन्होंने बिल पे किया अपने जेब से और ये बहुत ही गंभीर मामला है। बिहार पुलिस जो है ऐसे भ्रष्ट चीज़ों के एकदम सख्त उसके विरुद्ध है और इस पर हमने कार्रवाई की है। अभी फिलहाल उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और स्पष्टीकरण की मांग इसके बाद जो है थानाध्यक्ष से भी की जा रही है कि किन कारणों से जो है उनको इतना परेशानी उठाना पड़ा। और हम लोग जो है अगर किसी भी और भी लोगों की संलिप्तता आती है जिसमें कि लापरवाही अगर उनके द्वारा की गई होगी इस घटना के अनुसंधान में तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है हम लोग यहाँ पर एकदम तत्पर है। जब भी हमें सूचना मिलती है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर और कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो तुरंत जो है डायल 112 को आप लोग संपर्क कीजिए, वहाँ पे पुलिस जाएगी, आपकी सहायता करेगी। एक दुके जो ये घटनाएं हो रही है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी जिससे कि एग्जाम्पल सेट किया जाए और पुलिस में जो है अनुशासनहीनता और जो ये भ्रष्ट चीज़ें हैं इसके विरुद्ध जो है हम लोग रोज़ डेली बेसिस पे उसको कार्रवाई करेंगे और उसको तुरंत जो है उस पर एक्शन ले करके उनके विरुद्ध जो भी जहाँ तक उसका जो लॉजिकल एंड होगा वहाँ तक ले जाएंगे, चाहे वो डिसमिसल हो या जो भी उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मैं बोला ठीक है, फिर मैं होटल में गया। होटल जाने के बाद पुलिस वालों को मैंने बोला चाय वाय पीना है तो पी लो, तो बोले चाय वाय नहीं पीना, खाना ही खाना है। मैं बोला यार खाना खाने दो, चलो मैं खाना खिला देता हूँ। जैसे फिर मैं अपने होटल के रेस्टोरेंट में ले गया, उन्होंने तो भैया लंबा बिल ही बना दिया एकदम। खर्चा पानी की क्या बात थी? हाँ तो सेवा पानी करोगे तो कुछ निकलेगा हल। किसने कहा? वही जो कांस्टेबल और थाने वाले जो आपको लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा? खर्चा पानी दोगे तभी तो निकलेगा, बिना खर्चा पानी के तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, कितने खाना खाए लोग? पहले तो टोटल उन्होंने का बिल बना था 2400 कुछ का, फिर उनमें से मैंने माइनस किया तो 850 रुपए मैंने दिए।